ईशान किशन क्यों हुए टीम इंडिया से बाहर, रोहित ने बताई वजह। भारत बनाम श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले से भारत के लिए 200 रन जड़ने वाले ईशान किशन को ही प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बता दें कि जब इस मुकाबले की प्लेइंग 11 सामने आई तो उसे देखने के बाद भारतीय दिग्गजों से लेकर टीम इंडिया के फैंस सभी का गुस्सा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ पर फूटा, क्योंकि उन्होंने उस बल्लेबाज को ही टीम से बाहर कर दिया जिसने टीम इंडिया के लिए हाल ही में दोहरा शतक जड़ा। ईशान किशन ने बांग्लादेश के विरुद्ध 210 रनों की पारी खेली। ये पारी तब आई जब टीम इंडिया सीरीज गंवा चुकी थी और 3-0 से क्लीन स्वीप की कगार पर खड़ी हुई थी। ऐसे में ईशान किशन की तूफानी पारी ने न केवल भारत को जीत दिलाई बल्कि वनडे क्रिकेट के भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि ईशान किशन को अगले ही मैच से ड्रॉप कर दिया गया और इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। चलिए पहले जानते हैं कि ईशान किशन को बाहर करने में रोहित शर्मा ने क्या बयान दिया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टॉस के दौरान ईशान किशन को टीम से बाहर रखने की वजह बताई। रोहित शर्मा ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ईशान किशन को नहीं ले पाएंगे, हमें शुभमन गिल को पूरा मौका देना होगा। तो देखा आपने, रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को पूरा मौका देने के चक्कर में ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया है। यहाँ ईशान किशन, शुभमन गिल दोनों को ही एक साथ एक ही टीम में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादती ईशान किशन के साथ हो गई है। ऐसा ही कुछ साल 2016 में करुण नायर के साथ हुआ था, जिन्होंने 13 शतक लगाया फिर भी टीम में जगह नहीं बना पाए। अभी हाल ही में कुलदीप यादव के साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हुआ, जहां गेंदबाज ने 8 विकेट लेते हुए मैन ऑफ द मैच जीता, लेकिन अगले टेस्ट मुकाबले से ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी कि क्या अब टीम इंडिया में ये बात तय हो गई है कि जो प्रदर्शन करेगा वो टीम से बाहर जाएगा और जो प्रदर्शन नहीं कर सकता है उसे लगातार मौके दिए जाएंगे और लगातार टीम इंडिया में खिलाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।